तो दोस्तों हमारा जो एक्सपी विक्टस है वो आ चुका है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा बॉक्स है। तो हम करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि जितने भी जो है वो लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, क्या ये तारीफ के काबिल है वाकई में। तो देखते हैं, आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो बॉक्स में आपको दो सेक्शन देखने को मिलते हैं, एक में लैपटॉप और एक में चार्जिंग केबल। तो ये रहा हमारा एडेप्टर जो कि 200 वॉट का है। तो ये रहा हमारा चहेता HP विक्टस। तो यार अगर पैकिंग की बात करें तो पैकिंग करने वालों को लगता है कि इसके लिए कोई एक फिटिंग वाली पन्नी नहीं मिली, क्योंकि एक ढीली ढाली सी पन्नी में इसे पैक कर रखा है। तो अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो हल्का सा फ्लैक्स देखने को मिलता है। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो पॉलीकार्बोनेट के साथ आता है। चलो वन हैंड से खोलने की कोशिश करते हैं, खुलता या नहीं। तो यार वन हैंड से तो नहीं खुल पाएगा, आपको दूसरे हैंड का थोड़ा सपोर्ट देना ही पड़ेगा। और डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, गेमिंग लैपटॉप और अल्ट्राबुक के बीच में बैलेंस में डिज़ाइन को रखा गया है। प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है, लेकिन जो फील है ना वो लगता नहीं है कि प्लास्टिक है। बैकलाइट कीबोर्ड के साथ आता है और जो कीबोर्ड की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कीबोर्ड में टाइपिंग करने में काफ़ी मज़ा आता है। अगर डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 FHD IPS डिस्प्ले के साथ आता है विद मैट फिनिश। कलर गैमेट 45% NTSC के साथ आता है। तीनों साइड के बेजल काफ़ी स्लिम है, 16.9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आता है। ब्राइटनेस 250 निट्स की और व्यूइंग एंगल काफ़ी बढ़िया है। अब डिस्प्ले की बात हो ही रही है तो इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट IGPU से है, HDMI से आउटपुट लेंगे, डेडिकेटेड GPU से मिलेगा और टाइप सी से भी डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं जो IGPU से मिलता है। इसके अंदर डुअल मॉनिटर सेटअप भी कर सकते हो और डेडिकेटेड GPU से आउटपुट नहीं है। प्रोसेसर की बात करें AMD Ryzen 5 5600 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है। 3.3 GHz बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी है और 4.2 GHz मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है। NVIDIA GeForce RTX 3050 ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। 8GB DDR4 RAM देखने को मिलता है और 512GB NVMe M.2 SSD देखने मिलती है। और अगर वेबकैम की बात करें तो HD वेबकैम देखने को मिलता है, क्वालिटी अच्छी है। H2H कीबोर्ड देखने को मिलता है, नंबर पैड भी देखने को मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया ट्रैक पैड है। ट्रैक पैड का साइज भी काफ़ी बड़ा है और मल्टी टच के साथ आता है। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.2 देखने को मिल जाता है। और अगर पोर्ट की बात करें तो DC पावर इन, RJ45 LAN, HDMI पोर्ट 2.1, USB टाइप ए, USB टाइप सी, 3.5 mm ऑडियो जैक और कार्ड रीडर देखने को मिलता है। ये सब लेफ्ट साइड देखने को मिल जाते हैं। और अगर राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में दो पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, USB 3.2 पोर्ट। अपग्रेडेबिलिटी की बात करें तो इसमें दो SSD स्लॉट देखने को मिल जाता है, जिसे कि आप मैक्सिमम 4 TB तक बढ़ा सकते हैं। और दो इसमें आपको RAM स्लॉट देखने को मिलता है, जिसे कि आप मैक्सिमम 32 GB तक बढ़ा सकते हैं। और ओमन गेमिंग सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाता है। अगर स्पीकर की बात करें तो बैंगन ऑप्शन का सपोर्ट मिलता है। अगर स्पीकर की साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड जो है वो ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन अगर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। और अगर बैटरी की बात करें तो नॉर्मल यूज़ में आपको 5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। अगर सिनेबेंच मार्क की बात करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप सेम प्राइस के लैपटॉप को कंपेयर करेंगे तो 19 विज का फ़र्क पड़ता है, बाकी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। अगर आपको मैं 75,000 के लैपटॉप को 90,000 के लैपटॉप से कंपेयर करूं तो डिफरेंस तो होगा ही ना, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ क्या इसका कंपेयर करने का। तो इस लैपटॉप का यूज़ आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं? ऑब्वियसली गेमिंग लैपटॉप है तो गेमिंग तो कर ही पाएंगे, लेकिन उसके साथ आप और भी बहुत कुछ कर पाएंगे, जैसे कि वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी 1080p की कोई वीडियो है तो उसे तो आप कैसे भी एडिट कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपकी 4K की कोई क्लिप है तो उसमें भी आपको कोई फ़र्क नहीं देखने को मिलता, आपकी वीडियो आराम से एडिट हो जाएगी, बस आपको थोड़ी रैम बढ़ानी पड़ेगी, 16 GB तक आपको करना पड़ेगा। फोटोशॉप वगैरह स्मूथली चलता है बिल्कुल। 3D आफ्टर इफेक्ट के लिए भी आपके लिए बढ़िया लैपटॉप है, बस 8 GB रैम और बढ़ा लेना। और स्टूडेंट कोडिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है और सिंगल PC की स्ट्रीम भी आपको इसमें आप आराम से इसमें कर सकते हैं। वो आपके लिए कितना मायने रखता है, देखिए स्क्रीन वॉबलिंग है, थोड़ी बहुत देखने को मिलती है। अगर आप टाइपिंग करते हैं, अगर आप बिल्कुल उंगलियों को फेंक फेंक के मारते हैं कीबोर्ड के ऊपर, हार्ड टाइपिंग करते हैं,
तो थोड़ा बहुत वॉबलिंग हो सकता है। वैसे अगर आप नॉर्मल टाइपिंग करते हैं जैसे नॉर्मल इंसान करता है तो आपको कोई भी इशू नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपका फ़ैन जो है वो आपके रूम के काफ़ी नज़दीक ही लगा हुआ है तब थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि इसकी जो स्क्रीन है वो भी काफ़ी बड़ी है, ऊपर से जो इसका हिंज है उसमें सिर्फ दो ही सपोर्ट देखने को मिलते हैं, उस वजह से जो है वो इसकी जो स्क्रीन की प्रॉब्लम का थोड़ा बहुत इशू है। बाकी देखो जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बाकी अगर तुम किसी से पूछते हो कि मुझे कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए तो अगर वो आपको 2-3 लाख का लैपटॉप बता दें तो क्या आप उसके कहने पे वो वाला लैपटॉप ले लेंगे? सबसे पहले आपको देखना है कि आपका काम क्या है, उसके बाद आपको एक बजट डिसाइड करना है। बजट डिसाइड करने के बाद आपको सेविंग करनी है उसके लिए, लैपटॉप के लिए, और उसके बाद आपको जो भी बजट है उस बजट के अंदर आपको देखना है मार्केट में कौन सा ऐसा लैपटॉप है जो कि वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, उसको खरीद लो और उसी से स्टार्ट कर लो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ ऐसे ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।